आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, कुछ काम था हॉस्पिटल में तो आप मुझे बुला लेती ना, आप क्यों आई यहाँ? तुम्हें डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज। नहीं तो डायबिटीज टाइप तो मुझे तो नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें केमिस्ट से इंसुलिन के इंजेक्शंस खरीदते हुए देखे, और वो मेडिकल वाला भी कि पिछले एक महीने से तुम ये मेडिकेशंस ले रही हो। किसे है डायबिटीज लक्ष्मी? तुम्हें? तुम्हारे परिवार वालों में से किसी को? हाँ लक्ष्मी, या फिर पारुल? आंसर माय क्वेश्चन आई सेड। हाँ हाँ है मुझे टाइप 2 डायबिटीज। पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे छोटे से छोटे टेस्ट करवाए, क्योंकि हमें हेल्दी और फिट सरोगेट मदर चाहिए। एक डायबिटिक औरत को क्यों हम सरोगेसी के लिए चूज करें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इससे पहले भी सरोगेट मदर बन चुकी हूँ, अब इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? तुम्हें हॉस्पिटल वालों ने सरोगेट मदर बनने दिया? तुम्हें डायबिटीज है, और तुमसे बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है। हाउ कुड दे? और तुम्हारी रिपोर्ट्स, वो क्लियर कैसे आई है? वो इसलिए क्योंकि इन सब के पीछे हॉस्पिटल वाले भी शामिल हैं। और उन्होंने ही मुझे क्लाइंट्स दिए हैं सरोगेसी के लिए, और वैसे भी मैं ये सब कुछ काम पैसों के लिए ही कर रही हूँ, और वो भी। तो तुम हॉस्पिटल स्टाफ से मिलकर ये इलीगल बिजनेस चलाती हो? तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। पर मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? अगर आपको पुलिस के हवाले करना ही है तो उन लोगों को कीजिए जो पैसे खा रहे हैं। कौन बनाता है तुम्हारी ये फर्जी रिपोर्ट्स? डॉक्टर मुखर्जी। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। वैसे मैम आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे सरोगेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप भी ये बात दबा लीजिए, और चाहिए तो आप डॉक्टर मुखर्जी से अपना कट ले सकती हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब कोई मजाक है? एक बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलोगी तुम? मुझे जो एक्शन लेना है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, लेकिन अगर तुम डॉक्टर मुखर्जी के क्लिनिक के आसपास भी दिखी तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझ गई? इशिता, मैंने माफ कर दे पुत्र, मैं आप हैरान हूं रमन के किए पे। ये वाहियात शगुन है ना, ये सारा कुछ उसी का किया था। मैंने तो पता है ना, उसे आदत है आग लगाने की, पर सच्ची गल तो ये है कि मेरा अपना सिक्का खोटा निकला। पता नहीं रमन नु क्या हो गया है, पर तू चिंता ना कर, वो आएगा ना तो मैं उदे कान खींच के ना उन्हें अकल दिलावांगे, तू चिंता ना कर पुत्र। आज रमन ने तेरा नहीं एक माँ का भी दिल तोड़ा है, आज उसने जो किया है ना वो। मम्मी जी प्लीज आप इतना मत सोचो, रिलैक्स करो। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक्चुअली मुझे रमन ने बताया था सच, उन्होंने मुझे बताया कि वो फंस गए थे, वो शगुन और रमन किसी कोल्ड स्टोरेज में थे और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शगुन को इतनी ठंडी लगी कि वो बेहोश हो गई और उसे वापस। अच्छा, उन्हें बोला और तूने यकीन कर लिया? ओ इशिता, आंखों देखी पे भरोसा कर, तू उसकी गल्ला में मत आ। नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती ना उनकी बातों को। पता नहीं मैंने कौन से गुनाह किए जो मैंने तेरे जैसी बहू मिली। जी दे रहा पुत्र, पर फिर भी ना मैं रमन पे ऐसा भरोसा नहीं कर सकती, उन्हू मेरी आंखों में देख के सच बताना पड़ेगा, उन्हू मैनू यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो बेकसूर है। मम्मी जी अभी प्लीज इन बातों को आप सोचना बंद करो, वैसे भी मैं रिंकी को ढूंढ के निकालना है, उसके बारे में सोचे बेहतर होगा न कि रमन और शगुन के बारे में। ठीक है पुत्र, आप एकदम रिलैक्स होकर अंदर चलो, ठीक है?
आज बस आराम से बच जी। आपने इतना ऐसे कैसे सोच के रहेंगे बिना? तो ये तो टेंशन है, कुछ पता कि नहीं। सिमी दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिंकी ने आपसे नहीं पता है? आपसे तो हर बात शेयर करती है, कहाँ चली गई है? मिहिर, पुलिस सब जगह देख चुकी है, वो कहीं नहीं मिली है। और इनफैक्ट मैं उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन ट्राई कर चुकी हूँ, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मम्मी जी, जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी हुआ है, अभी हम उस बारे में मिहिर को नहीं बताएंगे। मिहिर पुत्र। मम्मी जी, भाभी, थैंक गॉड आप लोग आ गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रिंकी कहाँ गई है? लक्ष्मी को डायबिटीज, हाउ इज इट पॉसिबल? तुमने रिपोर्ट चेक की थी उसकी? रमन, आई एम आल्सो शॉक्ड। लक्ष्मी के सारे रिपोर्ट झूठे हैं, वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। जरूर उसकी फाइल किसी ने बदली है। चलो, हमें लोगों का पता लगाना होगा। दे हैव टू बी पनिश्ड। लेकिन मनोज, अब रमन और ऋषिता के बच्चे का होगा क्या? मुझे उसके लिए एक नई सरोगेट मदर के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, लेकिन इतने कम टाइम में कैसे मिलेगी मुझे वो? ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आज का दिन बहुत क्रूशल था, अगर हम आज इंसेमिनेशन कर देते तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के बहुत चांसेस थे। अगर हमें नई सरोगेट मदर नहीं मिली तो मुझे एम्ब्रियो फ्रीज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है शकुन, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एम्ब्रियो फ्रीज करूँगा, नई सरोगेट मदर ढूंढूंगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके टेस्ट कराऊंगा। इस समय बहुत टाइम चला जाएगा और ये एम्ब्रियो हमारे लिए लास्ट चांस है। इसी तरह का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसके और एग सेव नहीं कर पाए। अगर हमने इंसेमिनेशन में बहुत दिन लगा दिया तो चांसेस ये भी हैं कि सरोगेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सक्सेसफुल ना हो मतलब ऐसे मैं ये रिस्क नहीं ले सकता यार। कैसे पता कि वो दूसरी औरतों की वो हमें धोखा नहीं देगी, उससे सही मांग हुई? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, एक छोटी सी खुशी निशिता के लिए यार, वो भी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसने वो एक मौका मिला था यार, उसे सब कुछ किया मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। रमन, नहीं, उसे ये मौका देना होगा। पुलिस कोई तो होगा ना, कोई मिलेगा हमें? देख, एक औरत मिल सकती है, तुमने कहा ना कि नहीं मैम, नहीं मैम मिलेगी। रमन, हम ट्राई करेंगे, रमन हम ट्राई करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहाँ मिलेगी? कोई तो मिलेगी ना, हमारे मिलेगी ना, कोई एक तो माँ से मिलेगी जो मेरे रिश्ते के बच्चे को जन्म देगी, हमारे बच्चे को जन्म देगी। संभालो अपने आपको, ये बच्चों का खेल नहीं है। इतने कम टाइम में सरोगेट मदर कहाँ से लाएंगे, उसके टेस्ट कब करेंगे? इंसेमिनेशन आज पॉसिबल नहीं। खुशी में कभी नहीं थी, कैसे पॉसिबल है? वो बोल रहा है पॉसिबल नहीं है यार, सरोगेट मदर कहाँ से ढूंढूंगा मैं? हमें एक हेल्दी और स्वस्थ सरोगेट मदर चाहिए। तो मैं हेल्दी हूँ, दो बच्चों की माँ, मैं बनूंगी इशिता के बच्चे की सरोगेट माता। क्या बोल रहे हो? इशिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे बच्चों की जान बचा, मैं दूंगी उसके बच्चे को जिंदगी। जानती हो तुम क्या? हाँ मनोज, मैं सोच समझ के ही कह रही हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप करा, सारे रिपोर्ट्स क्लियर, और अगर तुम कोई और भी टेस्ट करवाना चाहते हो तो करवा लो। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट, प्लस रमन मुझे जानता है, मेरी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ, मेरे बच्चों का बाप है। और मनोज, अभी तुम ही कह रहे थे एम्ब्रियो को फ्रीज करना इज रिस्की, तो फिर व्हाई डू वी टेक अ चांस? मैं क्यों नहीं बन सकती इशिता की सरोगेट माता? अगर लक्ष्मी यहाँ पर होती तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया होता। रमन प्लीज, तुम हाँ बोल दो, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, राइट मनोज? प्लीज रमन, जिस एग्री, हम ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट कर देंगे। व्हाई डू यू वांट टू डिले? आई डोंट नो। प्लीज रमन, क्या सोच रहे हो? इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं इशिता के लिए करना चाहती हूँ। उसने क्या क्या नहीं किया मेरे, मुझे डस्टबिन से उठा कर लाई थी, मैंने अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी, उसने सुधारी है आदि की जिंदगी। रूही को तो मैं छोड़कर चली गई, रूही की माँ है वो, उसने मेरे बच्चों के लिए वो सब किया रमन, जो मैंने माँ होकर नहीं की। प्लीज रमन, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, कितने एहसान है उसके मुझ पर। प्लीज रमन, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ इशिता के बच्चे की सरोगेट माता। रमन, ओटी रेडी है, एम्ब्रियो रेडी है, तुम यहाँ हो, मनोज यहाँ है, तुम बस हाँ कह दो, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। मैं खुद ये करना चाहती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे बनना है इशिता के बच्चे की सरोगेट माता। मनोज, हमें ये प्रोसीजर कर लेना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि रमन भी यही चाहता है। हमें ये प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स जस्ट गो फॉर इट।